सलमान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यू नो कि विशाल मिश्रा इज अ वन मैन आर्मी, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? और हम आगे आपको देख सकते हैं सलमान के साथ काम करते हुए, इंशाल्लाह भी बहुत जल्द आने वाली है, सो कैन वी सी यू टुगेदर? आई डोंट नो इफ इंशाल्लाह हैज एनीथिंग टू डू विद मी, आई थिंक इट्स संजय लीला भंसाली सर्स फिल्म, बट सलमान सर बहुत काइंड है, उन्होंने शायद पहली बार किसी के लिए इंटरव्यू में बोला, किसी के लिए आज तक उन्होंने इंटरव्यू में नहीं बोला, और एक डेढ़ मिनट तक बोलते रहे वो कि वो इंस्टेंट है, वो बना देता है, तुरंत बना देता है, ही फील्स इट, ही देर इज़ नो ईगो। और जब वो इंटरव्यू में सुन रहा था तो मैं एक किस्सा याद कर रहा था कि वो मेरे शहर आए थे 2006 में, मैं उन्नाव से हूँ उत्तर प्रदेश से, तो मेरे शहर आए थे और किसी फंक्शन के लिए आए थे, और मैं उनसे देखने गया, मैं उन्हें तो बहुत भीड़ थी, तो मैं उनका ब्रेसलेट देख पाया सिर्फ, मैं आई कुडंट सी हिम, ही वॉज दैट फार अवे, बहुत वेगली मुझे दिख रहा था कोई, और वही इंसान ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट एंड बहुत लकी हूँ मैं कि उनकी सोहबत में इतने सालों से रहने का मौका मिलता है, बट जब वो इंटरव्यू में बोल रहे थे मुझे लग रहा था ये सच है क्या? मतलब इट्स मोर देन द स्टार सलमान खान, आई थिंक आई कनेक्ट टू द ह्यूमन दैट ही इज, एंड दैट टाइटल बींग ह्यूमन सूट्स हिम वेरी वेल, और मैं बस अगर उनकी तरीके का इंसान बन पाया मैं कभी अपनी ज़िंदगी में काम के साथ, तो मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ। गाने के बारे में हमने बातें कर ली, लेकिन लाइव आपसे ये म्यूजिक ना सुनूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सो प्लीज दो लाइंस हो जाए। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, इतना जरूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, इतना जरूरी कैसे हुआ। वाओ, इंडीड यू आर अ वन मैन आर्मी, नो डाउट। लेकिन जाते जाते मैं पूछना चाहूंगी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो कैसे हुआ फीवर चल रहा है, इसके बाद आएगा जबरिया जोड़ी आ रही है जिसमें सिद्धार्थ और परिणीति हैं, और बहुत अच्छे गाने बनाने का मौका मिला मुझे। फिर इसके बाद एक फिल्म आ रही है सांड की आँख, जिसमें तापसी और भूमि है, तुषार हिरानंदानी ने डायरेक्ट करी है, राजशेखर ने लिरिक्स लिखे हैं, 2 साल से म्यूजिक बना रहे हैं, आई थिंक पीपल विल एंजॉय दैट म्यूजिक अलॉट। फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी मेरा एक सिंगल आया था सजना हुए, बहुत प्यार किया लोगों ने, तो मुझे भरोसा था कि गाना अच्छा है, बट मैं फीचर किया वीडियो में और लोगों ने इतना प्यार किया, तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि आगे आगे भी उन सब चीज़ों पे काम हो। सो बहुत सारी चीज़ें इस साल होने वाली हैं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर, एंड आई होप ये जो प्यार हमारे और हमारी ऑडियंस के बीच में है, आई थिंक जस्ट प्रे टू गॉड दैट इट शुड गो ऑन एंड इट रीचेज द स्काई, एंड आई कीप एंटरटेनिंग माई ऑडियंस द वे आई डू। We do hope that, and thank you so much for talking to us, and all the very best for your upcoming projects as well.